हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए वेज सूजी चिल्ले की रेसिपी। इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने यहाँ आधा नींबू का रस लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज है, सीजनल जितनी सब्जियाँ मिले हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने टमाटर, गोभी, ब्रोकली, मटर ली है, बीन्स ली है, गाजर है, अदरक है, करी पत्ता है जो कि हम तड़के में यूज़ करेंगे, हरी मिर्च ली है। आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को मैंने बहुत बारीक बारीक कट किया है। आपको और भी जो सब्जियाँ इसमें ऐड करनी हो, शिमला मिर्च वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ ब्रोकली वगैरह, गोभी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, गाजर है, बीन्स है, मैंने वही सीजनल सब्जियाँ ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने बीन्स को भी बहुत बारीक कट किया है। बीन्स का टेस्ट भी इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। हम मेनली सिर्फ बेस के लिए इसमें सूजी यूज़ करेंगे, बाकी पूरा टेस्ट इनमें हरी सब्जियों का ही रहेगा। आजकल वैसे भी बहुत अच्छी हरी सब्जियां आ रही हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी रवा लिया है, सूजी भी बोल सकते हैं आप, बारीक वाली सूजी है ये, एक कटोरी रवा और इसमें आधा कटोरी हम दही यूज करेंगे और आधा कटोरी ही मैंने यहाँ पे पानी लिया है। पानी की कंसिस्टेंसी हम जब फेंटने के बाद रखेंगे उस अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बाउल में सूजी को ऐड कर लूंगी। उसी कटोरी के मेजरमेंट से आप देख सकते हैं मैंने दही यूज किया है। दही और सूजी को बढ़िया सा मिक्स देते हुए हम फेंट लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमें घोल बहुत पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं अभी तो बहुत गाढ़ा है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। मैंने पूरा आधा कटोरी पानी इसमें ऐड किया है। सूजी फूलने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ा पानी हमें बाद में भी लगेगा। और जब हम इन सब्जियों को ऐड करेंगे तब ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तब भी अगर कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होती है तो हमें पानी को ऐड करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बैटर अभी बनके रेडी हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी और ऐड करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि हमें कितना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप पानी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत पतला हो जाएगा तो इसके जो चिल्ले हैं, आप पैनकेक भी बोल सकते हैं, वो उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे। अभी ये बैटर ठीक है। आप इसको ब्रेकफास्ट में, टी टाइम, स्नैक्स में कभी भी बना सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। अब हम इसमें अपनी जितनी भी हमने सारी वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं उन सबको ऐड करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ब्रोकली वगैरह बच्चे नहीं खाते, तो आप अगर इस तरीके से ऐड करके देंगे तो स्वाद स्वाद में वो सारी वेजिटेबल्स भी खा लेंगे जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। मैंने सारी सब्जियों को उसी बैटर में मिक्स कर दिया है। करी पत्ता, अदरक का जो हमने कद्दूकस करके उसका पेस्ट रेडी रखा है, और नींबू का रस, ये हम बाद में मिलाएंगे। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसमें सब्जियों की क्वांटिटी सूजी के कंपैरिजन में डबल है। थोड़ा सा जो हमारा पानी है, आप देख सकते हैं यहाँ 1 टेबल स्पून ही है ये, इसको ऐड करेंगे। अभी जब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद भी सूजी फूल जाएगी और ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप स्वादानुसार ही मिलाएं। और मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून इसमें मीठा सोडा डाला है, खाने वाला जो सोडा होता है वो।
सोडे से थोड़ा और फूल जाएगा। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ चाट मसाला ऐड किया है, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, एक से दो चुटकी मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी प्लस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा काला नमक मैं ऐड कर रही हूँ। हमने वाइट सॉल्ट भी डाला है, तो काला नमक और दोनों का नमक का अंदाज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने स्वादानुसार। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के अराउंड यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड किया है इसमें, थोड़ा सा 1 से 2 पिंच मैं ब्लैक पेपर डालूँगी। अब इन सारे मसालों को इस बैटर में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा होता जा रहा है ये। और मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देंगे ढककर। उससे होता क्या है कि सूजी और फूल जाती है, मसाले अच्छे से मिल जाते हैं इसमें और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। मसालों का, सब्जियों का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो अच्छे से सूजी में बाइंड हो जाता है। इसको इसी तरीके से बस रेस्ट पे छोड़ देंगे हम और थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और यह और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के अराउंड वाटर ऐड करेंगे। एक साथ ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। अच्छे से मिला लें। बस अभी हमारा ये मिक्सचर रेडी है। अब इसमें हमने जो आधा नींबू लिया था उसका रस ऐड कर देंगे, जिससे इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये रेसिपी बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपके पास जितनी सब्जियां हों फटाफट कट करें और सूजी में फेंटें। बस अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको 10 मिनट के लिए की जगह 5 मिनट के लिए ही रख दें। इधर मैंने तड़का भी तैयार होने रख दिया है। मैंने थोड़ा सा जीरा और राई लिया है था और उसमें करी पत्ता डाला है और उसमें अपना अदरक का पेस्ट। इसको बस फ्राई करते हुए अपना हमारा जो बैटर है उसमें ही मिला देंगे हम सारा, तो थोड़ा स्वाद और आ जाएगा। अब ये बैटर हमारा बनकर पूरी तरीके से रेडी है। अब बस हमको इसके फटाफट चिल्ले बनाने हैं। नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करें। एक साथ दो दो तीन तीन बन सकते हैं और इसको बहुत छोटे छोटे बनाएं, तो बच्चे हों चाहे बड़े हों बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे तो स्पेशली, उनको छोटे छोटे राउंड राउंड या उनकी पसंद की किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड है तो उसमें करके डाल सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चे तो इसे बहुत मन से खाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। इनडायरेक्ट वे में आप बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स अपने बच्चों को खिला रहे हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अगर कोई गेस्ट आए या कुछ ऐसा हो, कुछ स्पेशल ओकेजन पे आपको ये सिंपल रेसिपी बनानी हो, तो आप इनको बनने के बाद अलग अलग पीसेज में कट कर सकते हैं और कट करने के बाद आप एज ए स्नैक्स चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे हम घर में बर्फ़ी बनाते हैं तो कट करते हैं, उस तरीके के आप छोटे छोटे पीसेज में भी इसको कट कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है और इसमें जो बीच में क्रंचीनेस आती है सब्जियों की, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे पैनकेक्स बनके रेडी हैं। केचप के साथ सर्व करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।